अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर। तो आज से जो है अपने जावास्क्रिप्ट का मुकम्मल कोर्स का आगाज करेंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो होगी जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और वो हमारी वेबसाइट के अंदर क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट जो है एक पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे कि HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है जो आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का इसको हैंडल करने के लिए या एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर शो करवाने के लिए यूज़ होती है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए आपको HTML और CSS की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट से जो है हम HTML का जो कंटेंट होता है वो हम उसको ऐड करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। हम HTML के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको चेंज करवा सकते हैं, एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको चेंज करवा सकते हैं, उनको रिमूव करवा सकते हैं। इसके साथ ही हम CSS जो है हम उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी वैल्यूज़ जो है उनको भी चेंज करवा सकते हैं, उनको भी ऐड करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की बेस पर। जावास्क्रिप्ट के बेस पर ही हम HTML का जो कंटेंट है उसको हम शो करवाना, हाइड करवाना, किसी CSS की प्रॉपर्टी को और जो है उसको ख़त्म करवाना, ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के बेस पर हम कर सकते हैं। तो दूसरा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ क्यों करने चाहिए या उसको पढ़ना क्यों चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट जो है अगर हम उसकी बात करें रिलेटिवली तो जावास्क्रिप्ट एक ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, वो आसानी से समझ आ जाती है, सिंपल लैंग्वेज है वो। इसके साथ ही वो थोड़ी फास्ट होती है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है उसका वो थोड़ा ज़्यादा है, नहीं कि लाइबिलिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा है। क्लाइंट साइड वो लैंग्वेज है, अगर हम बात करते हैं PHP की तो वो पहले सर्वर पर लोड होती है, हम कोई भी कोड या कोई भी फंक्शन हम उसका रन करवाते हैं तो पहले वो सर्वर पर जाके लोड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद वो उस कोड की जो आउटपुट है वो हमें क्लाइंट साइड पर यानी कि क्लाइंट के ब्राउज़र पर हमें शो करवाता है। तो जावास्क्रिप्ट को इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत होती नहीं है, बेसिकली वो सिंपल क्लाइंट के जहाँ पे आप कोड वगैरह फंक्शन वगैरह लिख रहे होते हैं वहीं पे वो एग्जीक्यूट होती है, वहीं पर ही वो उसकी आउटपुट जो है हमें वो शो करवा देती है। इसी के साथ जावास्क्रिप्ट जो है वो अदर लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करती है, यानी कि सिंपल अल्फाज में कि वो HTML के साथ आसानी से एम्बेड हो जाती है, HTML के अंदर PHP के अंदर वो आसानी से एम्बेड हो जाती है, ठीक है, और क्या कहते हैं CSS के साथ वो एम्बेड हो जाती है। और जावास्क्रिप्ट उन लैंग्वेज में से है जिसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिनके लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है, यानी कि आसान अल्फाज में कंप्यूटर जो है पहले उन लैंग्वेज को कंपाइल करता है यानी कि अपने पढ़ने के काबिल बनाता है, अगर उसके बाद फिर वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है ना तो उसको कंपाइलर की ज़रूरत होती है ना ही इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही हम जावास्क्रिप्ट की बेस पे बहुत सारी अपनी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन कर सकते हैं अपने, यानी कि जिस तरह उसकी एक एग्जांपल जो है बेहतरीन एग्जांपल जो है स्लाइडर हैं, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट के बेस पर होते हैं, मेन्यूज जो जावास्क्रिप्ट के बेस पर होते हैं, इसी तरीके से एजेक्स जो फंक्शनैलिटी काम करती है वो भी जावास्क्रिप्ट के बेस पर ही होती है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट ने जो है अपने डिफरेंट जो लाइब्रेरीज जो हैं वो डिफरेंट वर्क के लिए यानी कि उसने स्पेसिफाई कर दी हुई हैं चीज़ें, तो उसने वो उन स्पेसिफाइड कामों के लिए स्पेसिफाइड लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर दी हुई हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं UI UX डिज़ाइन के हवाले से तो उसने React वगैरह, Vue.js, Angular.js, ठीक है, ये हमें उसने प्रोवाइड की हुई अपनी लाइब्रेरीज। एनिमेशन के लिए उसने GSAP यानी कि ग्रीन सोक एनिमेशन प्लेटफॉर्म, ये लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, Anime.js प्रोवाइड की है। इसी तरीके से Ajax या HTTP की बात करें तो हम उसने jQuery हमें प्रोवाइड की है, Axios उसने हमें प्रोवाइड की है, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डेली यानी कि रोज़ बाय रोज़ जो है अपनी लाइब्रेरीज जो है वो लॉन्च करी जा रहा है और जो पुरानी लाइब्रेरीज हैं उनको वो अपडेट करी जा रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक अपडेट लैंग्वेज है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे अभी एक छोटा सा कोड लिखते हैं जो अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे, हम ये क्यों है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, हम अपनी आने वाली वीडियो में इस पर डिटेल से बात करेंगे। फिल वक्त के लिए हम सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी HTML की फाइल में जाता हूँ जहाँ पर मैं पेज का टाइटल जो है लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, और इसके नीचे ही मैं यहाँ पर अपनी जो है एक टैग लेता हूँ H1 का,
और उसमें आईडी दे देता हूँ उसको डेमो के नाम से। तो अभी ये हमको ब्लैंक ही रखेंगे। यहाँ पे एक और बटन देता हूँ मैं यहाँ पे, और बटन के अंदर देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर इन लाइन जो है JS यूज करूँगा। मैं JS के लिए फिल वक्त जो है कोई भी एक्सटर्नल फाइल नहीं बना रहा, सिंपल जो है इन लाइन JS यूज करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर JS का एक फंक्शन है ऑन क्लिक, वो मैं यूज करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैं अपनी आईडी लेता हूँ डेमो होली, सिंपल मैंने यहाँ पर लिखी है कि जावा इफ कैन चेंज HTML कंटेंट। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, फिर अपने ब्राउजर पर जाता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बटन जो है वो शो हो गया है, और यहाँ पर जो मैंने एक टैग लिखा है H1 का, ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इनर HTML थोड़ा सा गलत है, कैपिटल में है। और पेज को मैं लोड करता हूँ तो क्लिक नहीं, जैसे उसने यहाँ पे अपनी HTML जो है वो एम्बेड कर दी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी H1 में कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैंने क्लिक नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट की बेस पे यहाँ पे क्या हो गया, HTML जो है यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि उसका कंटेंट जो है वो ऐड हो गया जावास्क्रिप्ट की बेस पर। तो मजीद इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट की बेस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, और हम अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे अपनी आने वाली नई वीडियो में। इस उम्मीद से कि अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।